हेलो गाइस, तो आज मैं हेवी साड़ी की रैपिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे इस लुक में आज इन्फिनिटी साड़ी की रैप कर रही हूँ। तो आपको फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लेना है और फिर आपको यह इसे उल्टी करके आपको अपनी प्लीट्स बना लेनी है। आपने देखा ही होगा मैंने किस तरह से किया है, वैसे ही आपको करना है। फिर आपको एक एक प्लीट को अच्छी तरह से सिक्योर कर लेना है और आपकी एक जो प्लीट है ना वो आपकी बॉर्डर की जितनी होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। फिर आपको अगर कंधे पे डायरेक्टली आपको सेफ्टी पिन नहीं लगाने आती तो आपको क्या करना है, उसे हाथ में लेके आपको पहले पिनअप कर लेना है, फिर आपको कंधे पर रखना है उसे। और यहाँ पे आपको मेजरमेंट कर लेना है, इस फैब्रिक को आगे लेके आना है आपको उसके लिए। फिर आपको यहाँ पे पिनअप कर देना है और यहाँ पे आपको अपनी सेंटर प्लीट्स बनाने को स्टार्ट कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैं किस तरह से बना रही हूँ। और लास्ट की जो प्लीट है ना हमारी, वो आपको ऐसे ही क्रॉस में बनानी है ताकि वो जो प्लीट्स है हमारी वो ज़्यादा विजिबल होके दिखे और हमारा लुक जो है हमारा वो काफ़ी अच्छा दिखे। फिर आपको अच्छे से सिक्योर करनी है अपनी एक एक प्लीट को और उन्हें पिनअप करके आपको टक कर देना है। अब आपको इस फैब्रिक को ऐसे आगे लेके आना है और यहाँ पे अपनी जो सेंटर प्लीट्स है ना उसके बीच में आपको उसे फंसाना है। फंसाने के बाद आपको उसे सारी पिन के साथ सिक्योर कर देना है और आपकी यहाँ पे बस की जो प्लीट्स है ना उसे भी आपको सिक्योर कर देना है अच्छी तरह से पिनअप लगा के। और आप हमारा फाइनल लुक देख सकते हो गाइस, कितना रॉयल लग रहा है, कितना प्यारा निकल के आया है। आप इस लुक को ज़रूर पार्टी वेयर फंक्शन में या फिर कोई भी फंक्शन में ट्राई कर सकते हो, वेडिंग फंक्शन में भी ट्राई कर सकते हो। बहुत रॉयल लुक देगा आपको और ये ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगेगा। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को लाइक किया कीजिए और पेज को भी फॉलो कीजिए गाइज। उसके बाद मैं आपको सेकंड स्टाइल बताऊंगी। सेकंड स्टाइल में आपको क्या करना है, आपको डेलीवर साड़ी की मैं ड्रैपिंग बता रही हूँ आपको, उसमें क्या करना है आपको। यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा ही स्लिम और टॉल लगना है तो आपको सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि आपको शेप वियर पहनना ज़रूरी है गाइस, तभी हमारी जो बॉडी है वो ज़्यादा विजिबल होके दिखती है और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। फिर आपको यहाँ पे सेकंड जो स्टेप है हमारा उसमें, यहाँ पे आपको पल्लू की लेंथ मेजर कर लेनी है अच्छे से। आपको जितनी पल्लू की लेंथ चाहिए होगी उतनी आपको मेजर कर लेनी है और आपकी जो प्लीट्स है वो आपको बॉर्डर की जितनी बनानी है। अगर आपको स्लिम और टॉल लगना है, बॉर्डर की जितनी आप अगर प्लीट्स बनाओगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी और ज़्यादा घने भी प्लीट्स आएंगी आपकी तो वो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। फिर आपको अगर, मैं फिर से बताऊंगी कि आपको अगर शोल्डर पे डायरेक्टली पिन अप्लाई नहीं करनी आती तो आप सबसे पहले अपने हाथ में लेके उस प्लीट्स को आप एक बार पिनअप कर लीजिए थोड़ी दूरी पर। फिर आपको क्या करना है कि एक ही पिनअप आपको अपने ब्लाउज़ के साथ वहाँ पे लगाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे वो जो फैब्रिक है ना वो फोल्ड करके आपको यहाँ पर एक शेप दे देना है अपने बस साइड्स को, ओके। और यहाँ पर आपको ये फैब्रिक आगे लेके आना है, यहाँ पे छोटी छोटी आप लोग को प्लीट्स बना लेनी है क्रॉस में और उन प्लीट्स को आपको सिक्योर कर देना है, पिनअप कर देना है। और ये फैब्रिक बचा हुआ है ना उसे आपको यहाँ पे ऐसे टक कर देना है अंदर और यहाँ पे आपको सेंटर प्लीट्स बना लेनी है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैं फर्स्ट प्लीट जो है वो बड़ी बना रही हूँ और बाकी की सारी प्लीट्स जो है वो उससे थोड़ी छोटी बना रही हूँ। तो आपको ऐसे ही एक एक करके अच्छे से प्लीट्स बना लेनी है और यहाँ पे देख सकते हो आप मैं किस तरह से दिखा रही हूँ वैसे ही आपको प्लीट्स बनानी है, क्योंकि हेवी साड़ी जो होती है ना वो ज़्यादा देर तक मतलब हाथ में टिकती नहीं है, वो फिसलती रहती है। तो आपको ऐसे हाथ करके आपको प्लीट्स बनानी है, टक करके आपको लुक को फिनिश कर देना है। अगर आपको अच्छा लगे तो आपको सारी पिन भी लगा देनी है। आप हमारा फाइनल लुक देख सकते हो गाइस, कितना रॉयल लग रहा है। इस लुक को आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत प्यारा लगता है। अब हम बढ़ते हैं हमारी थर्ड स्टाइल की तरफ। थर्ड स्टाइल में आपको क्या करना है, आपकी जो पल्लू की प्लीट्स है उसका कॉर्नर आपको ऐसे आगे लेके आना है, आप देख सकते हो। फिर आपको उस कॉर्नर की एक या दो प्लीट्स बनानी है, देख सकते हो आप। फिर उस कॉर्नर को आपको अपनी प्लीट के बीच में फंसाना है, फर्स्ट प्लीट के बीच में आपको फंसाना है ताकि वो जो कॉर्नर है हमारे साड़ी की जो बॉर्डर है वो आपकी विजिबल हो, ज़्यादा विजिबल हो के दिखे तो वो लुक ज़्यादा अच्छा आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं किस तरह से कर रही हूँ। फिर आपको उन्हें अच्छे से सारे पिन के साथ आपको पिनअप कर देना है ताकि वो पिन भी ज़्यादा अच्छी लगे। और अंदर से आप वैसे भी पिनअप नहीं कर सकते तो आपको ऐसे ही सारे पिन के साथ आपको पिनअप कर देना है ताकि आपका लुक और ज़्यादा इन्हांस होकर दिखे। आप हमारा लुक देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए।